देखो अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि मेरे में क्या सबसे बड़ी कमी है, तो वो ये है, मैं चीज़ें बोल तो देता हूँ बट वीडियोस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ। तो कुछ दिन पहले ऐसे ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैं अपनी राइडिंग जैकेट के बारे में बता रहा था। तो द वेट इज़ ओवर, अभी फाइनली राइडिंग जैकेट आ गई है। बेसिकली आपको मैं थोड़ा लेजी लग रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। कल रात को भी मैं वीडियोस पूरे एडिट कर रहा था, सुबह 4 बजे सोया हूँ एंड अभी आंखें में भी नींद आ रही है मतलब प्रॉपरली, बट कोई बात नहीं, हम वीडियो प्रॉपरली इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे। ये भाई हमारा डिब्बा, और ये डिब्बा हमने पहले से एक बार खोल चुके हैं इसको, और वो इसलिए क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके अराउंड 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं, तो बहुत बढ़िया बात है यार। बट चलो अभी वक्त आ गया है, इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के पीछे रीज़न कुछ नहीं है, खाली ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें है क्या क्या, आता क्या क्या बॉक्स। तो भाई ये पहले से खुला है, हमें फाड़ने की चिंता नहीं, वैसे भी मैं आलसी हूँ तो कोई बात नहीं। ये आपको सबसे पहले ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो मोस्टली राइडिंग वगैरह करते हैं, जिन्हें राइडिंग गियर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो दिस इज़ बेसिकली अ बैक प्रोटेक्टर, जब आप देखोगे ना ऐसे पीछे जाता है एकदम मस्त वाला। दिस इज़ अ लेवल 2 और लेवल 2 आर्मर, और ये जो लेवल 2 आर्मर होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब भी आप कोई राइडिंग गियर लेते हो या जैकेट वगैरह लेते हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा वो जैकेट लो जिसमें एटलीस्ट आपके लेवल 2 के प्रोटेक्टर हो। लेवल 3 की तो चलो महंगी पड़ जाएगी बट लेवल 2 तक होने चाहिए। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप खाली इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लेना है, कुछ भी दिखाओगे तो मैं बता दूंगा। बाकी कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप अपना दिमाग यूज़ करो, रिसर्च यूज़ करो और प्रॉपरली रिसर्च करके ही कोई राइडिंग गियर खरीदो, भाई जान बचा सकते हैं आप। बट उसके अलावा यार ये वाली जैकेट लेने का मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे लुक्स भी परफेक्ट चाहिए होती है। तो चलो इसको रखते हैं साइड पे, अब करते हैं अनबॉक्स जैकेट को। तो ये एक छोटा सा डिब्बा भी हमें दिया हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट वीडियो देखी होगी उनको तो पता है कि इसमें क्या है, तो बार बार बता के मैं चलो वो नहीं कहता। बट इसमें इन्होंने मस्त ऐसे नाम सा लिखा हुआ है, देखो प्रेजेंटेशन है, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, रूरॉक जैसा नहीं है बट ठीक है, रूरॉक है। तो गाइस इसमें ये मेरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है पूरी, इसमें बिल वगैरह दिया हुआ है इन्होंने, तो ये एक पेपर वर्क कोई नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और ये है गाइस हमारा विंटर लाइनर और रेन लाइनर, ये दोनों को कवर कर देता है। दिस इज़ अ वाटर प्रूफ एंड ये वेस्ट है बेसिकली, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर इनर लाइनर। 2 मिनट रुक जाते हैं ना छींक के बाद, सुना है मैंने ऐसे, क्या ही होगा, वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे और क्या हो सकता है। तो भाई ये है हमारा विंटर लाइनर, जिसको हम मोस्टली जब आपको पता लद्दाख वगैरह की राइड्स रहती हैं आपकी किसी भी तरीके की, तब आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। बट गर्मियों में आप सिंपली, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड दिस जैकेट। गर्मियों में सिंपली आप ऐसे भी जैकेट को पहन सकते हो। एंड गाइस अब आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था उसकी बात करते हैं। सो दिस इज़ माई न्यू राइडिंग जैकेट, ये बहुत ज़्यादा डैम सेक्सी दिखती है। अब इवन जब ये जैकेट ली थी ना तब मुझे V4 के बारे में कुछ पता नहीं था, बट एक्सीडेंटली देखो ये जो नियॉन ग्रीन कलर है ना, ये मेरी बाइक के साथ देखो मैच कर गया प्रॉपरली, देख रहे हो, और मॉन्स्टर एनर्जी जैसा हो गया कुछ सब कुछ। चलो कोई नहीं, मस्त चीज़ है। बट पर्सनली आपको पता है मुझे नियॉन वियॉन कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है मैं मिनिमल रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, सिंपल और सोबर चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो कोई ना, चलो अब डिटेल में बात कर ले। देखो हमारे पास वैसे तो घर में टेबल वगैरह सब कुछ होता है, बट हम ज़्यादातर वीडियोज़ को आउटडोर शूट करना पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं, फिलहाल भी हम आउटडोर ही कर रहे हैं तो बाइक के ऊपर ही हम टेबल बना लेंगे और क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको राइडिंग गियर्स के बारे में बता देता हूँ, अगर आप कोई राइडिंग गियर गलत साइज का खरीद लेते हो, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है आपको। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लास्ट टाइम मैंने खरीदी थी रेवअप ज्यूस की जैकेट और वो हल्की सी टाइट थी मुझे, अब टाइट ऐसे नहीं थी, मैं मोटा था, मैं अभी भी हूँ, तो उसी प्रॉब्लम की वजह से ये होता था। कोई बात नहीं, जिम विम जा रहे हैं तो पतले हो जाएंगे। ये जो जैकेट है ना इस बार मैंने मंगाई है मीडियम साइज की, और मीडियम साइज के पीछे मंगाने के पीछे ये था मेरा मेन कि विंटर लाइनर्स के अलावा भी आपको कभी लद्दाख में जाते हो तो अंदर से कुछ ज्यादा पहनना पड़ता है, स्वेटर वगैरह या कुछ भी आपको पहनना पड़े तब आपको ये बिल्कुल कंफर्टेबल होगी। तो ये है मेन चीज, जब भी आप जैकेट लेते हो अच्छे से साइज चार्ट वगैरह देख लिया करो, मेजरमेंट कर लिया करो, तब प्रोसीड किया करो, ठीक है, वरना ये लेवर प्रोटेक्टर्स जो होते हैं ना प्रोटेक्टर्स वगैरह, ये यहाँ से कहीं और जाएंगे या आपके शोल्डर्स कहीं और जाएंगे, ऐसा नहीं है, प्रॉपर साइज देख के लिया करो। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी ब्रांड को, मोस्टली तो ऐसा कोई खराब ब्रांड मुझे दिखा नहीं, बट कई ब्रांड ऐसे भी होते हैं जिनकी जिप भी अच्छे से नहीं जाती। ये जिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्लव्स वगैरह पहन के हम कई बार करते हैं तो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस जैकेट में 2 चीज़ें बहुत शानदार लगी मुझे। यू नो जब मुझे जैकेट पर्सनली कोई लेनी होती थी मैं सोचता था कि शोल्डर गार्ड्स हों, एल्बो ब्लेड्स हों, और उसके अलावा ये जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ हम। तो ये मैं आपको बता दूँ किसी और जैकेट में नहीं आता, ये खाली DSG है जो सस्ती जैकेट्स में, मतलब मीडियम साइज मिड बजट आप कह लो 10,000 तक, तो ये सिर्फ 2 ही जैकेट है, वो दोनों DSG की ही आती थी, एक आती थी ईवो प्रो और एक अभी आ रही है ईवो
हाँ ऐसे कुछ नाम है इनके, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं याद। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रॉपरली लिंक वगैरह दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। लिंक दे दूं, स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, नहीं देंगे, ठीक है भाई, उधर से मत खरीदना। चलो कोई बात नहीं यार, लिंक दे दूंगा, बाकी देखा जाएगा भाई। अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी जैकेट। इसका जो टेक्सटाइल मटेरियल है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, एक तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट है, बट अब मुझे नहीं पता ये पतला होने के साथ साथ क्या ड्यूरेबल भी है, आई डोंट नो। चलाने के बाद इसको पर्टिकुलरली पहनने के बाद वेयर एंड टियर के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, ज्यूस का कपड़ा इससे थोड़ा मोटा था, ये थोड़ा कपड़ा पतला है। टाइम के साथ साथ टाइम विल गोना टेल एवरीथिंग, टाइम ही बताता है, क्यों नहीं रिच? बिल्कुल। ये जो हम्प है ये बहुत सही होता है, बेसिकली आपकी बैक स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, एंड जब आप लीन होकर चलाते हो तो आपको बेटर एरोडायनेमिक्स भी देते हैं। तो ये चीजें होंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो मोटे लोग मेरी तरह होते हैं, यहाँ पर शोल्डर्स के पीछे जो आपके ब्लेड्स बैक ब्लेड्स होते हैं, उनमें थोड़ी सी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, कंफर्टेबली आप आगे लीन होकर पकड़ सकते हो। तो ये चीजें तो बेसिक है यार, हर जैकेट में होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको पॉकेट्स खूब सारे मिल जाते हैं, खूब सारे नहीं, मेन जो होने चाहिए। साइड पे यहाँ पर दो पॉकेट्स हैं जिनमें जिप लगी हुई है, जिप लगी होना बहुत जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा टमी वमी है, और अगर नहीं भी है तो आपकी अगर जिप खुली रहेगी तो आपका पेट ऐसे बड़ा सा लगेगा। आई डोंट वॉन्ट दैट, पता है ना, प्रोफेशनल चीजें, प्रोफेशनल सीन्स। अब भाई बात आती है हमारे ये नियॉन कलर की। जब मैंने ये जैकेट मंगाई थी तभी एक ही कलर में अवेलेबल थी, तो नियॉन ही लेना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरा। कोई टेलर को जानते हो? हाँ। कहाँ? नहीं, पास में ही है। तो उसके पास जाके यहाँ पर ऊपर फट्टियाँ लगवानी है भाई मेरे को। अब मुझे ये नियॉन के साथ कोई दुश्मन ही नहीं है, बट वो टिकटॉकर्स वाला सीन हो गया था बीच में। तो ये है हमारे मेन जैकेट्स के शशके। अब एक होती है ना प्रोफेशनल रेसर की वाइब्स देने के लिए, जो आपको ट्रैक्स में मिलती है, वो वाइब देने के लिए ये लोगो देख रहे हो, DSG का देख रहे हो? ये लोगो चार चांद लगाता है, बिकॉज जब आपकी फोटोज आएंगी ना गाइस इंस्टाग्राम पे, जो आपने ऐसे कर रखा होगा हेलमेट पहन के, ये जो लोगो दिखेगा ना, ये बाइकर वाले टैटू है भाई, यही जबरदस्त चीजें होती हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है जो एक जैकेट को अलग बनाती है। एंड यहाँ पर आपको एक इंसर्ट मिल जाती है भाई, ये पूरा का पूरा पॉकेट है। और इस पॉकेट में क्या आता है, अभी ये प्रॉपर पॉकेट है, इसमें बैक प्रोटेक्टर आता है। अभी मैं बैक प्रोटेक्टर नहीं डाल रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है, एंड अभी मैं कोई बड़ी राइड भी प्लान नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं बैक प्रोटेक्टर अभी के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्लीन भी करा सकते हो, जैकेट को वॉश भी कर सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, पूरा आप देख लो। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक वाटरप्रूफ पाउच आप कह सकते हो मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल डाल सकते हो, या सिगरेट विगरेट अगर कोई पीता है वो डाल सकता है, बारिश में गीले नहीं होंगे। मैं तो मोबाइल डालता हूँ या मेमोरी कार्ड्स, कुछ ऐसा चीजें। बट मुझे यहाँ पर गाइज एक चीज पता चली है कि DSG वालों ने मुझे हल्का सा फटा हुआ ये दे दिया, इसमें छोटा सा ये छेदू है, और ये छेदू पता नहीं क्यों है। अब मैंने ये तो पहन लिया है, अब मैंने सोचा था कभी भी मैं YouTube पे इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग वाले, बट यू नो अगर मैं खुद कैमरा के पीछे हूँ तो आई हैव अ बेटर कंट्रोल। बट आज नीरज है, और नीरज पे मुझे भरोसा है भाई, मेरे चेले हैं मेरे, क्यों, किसने सिखाया भाई तेरे को? छोड़ तो बेसिकली आपको यहाँ पर भी गाइस जिप मिल जाती है, अगर मोस्टली आप राइडिंग वगैरह करते हो आपको पता होगा, राइडिंग जैकेट्स को रिमूव करना खुद में एक सुपर पावर है। अगर आप खुद से अपनी राइडिंग जैकेट उतार लेते हो बिना कुछ ऊपर नीचे किए तो आप बहुत बहादुर हो यार, पर आपको मजे से खुल जाती है, ऊपर से आप आराम से रिमूव कर सकते हो, बेस्ट चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट मिल जाती है, अगर आपकी फोर आर्म पतली है, मान लो मेरा कज़न है एक रोहित उसकी जैसी है, तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट भाई मेरी पूरी फुली है, सो आई डोंट नीड दैट, मैं खाली इसको बंद करूँगा। तो इसके बाद मैं आपको प्रॉपर हेलमेट पहन के लुक बता दूंगा एक बार कैसी होती है कैसी नहीं। इस बार मीडियम साइज़ लिया, मुझे परफेक्ट आया। पिछली बार मैं स्मॉल पहनता था जो रेवअप था गाइस, पता नहीं अभी मोटा हुआ या क्या हुआ, बट स्टिल ये साइज़ कंफर्टेबल है, वो वाला साइज़ भी मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं। तो भाई ये देखो, मतलब एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल राइडर वाली वाइब्स आपको आना चालू हो जाएंगी। हालांकि इसकी ये चीज़ यहाँ से थोड़ी ओपन है, तो इसको अगर ठीक करने के लिए वो यहाँ पर भी कुछ जुगाड़ दे देते तो बहुत बढ़िया होता, रेवअप में प्रॉपरली ये चीज़ सॉर्टेड थी। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई घूम के। तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सेटिंग्स मिल जाती हैं, ये देख रहे हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, बिकॉज आप अपने हिसाब से टाइट या ढीला कर सकते हो। एंड अब मैं घूमता हूँ पीछे, अब आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी। सो ट्रस्ट मी, इतने 10,000 के बजट में आपको किसी और जैकेट में ये हम्प तो नहीं मिलने वाला। सो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ लुक लाइक दिस, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस जैकेट। और अभी के लिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो आई एम नॉट टेलिंग यू द फुल रिव्यू, गिरने पर कितना बचाती है कितना नहीं, ये आपको टाइम के साथ साथ ही पता चलेगा। उतरना यार, तंग कर रहा था पिछले आधे घंटे से, पकड़, ये टाइम के साथ साथ ही पता चलेगा कैसी इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। तो कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ा, उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड फिलहाल के लिए आप देख लो कि राइडिंग जैकेट पहने हुए दिखती कैसी है।